तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करके बताऊंगा। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप इंडियन स्टॉक के किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे वर्ल्ड के किसी भी चार्ट है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करी गई है, तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट होगा ही, साथ ही साथ आप इसे क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स या गोल्ड किसी भी चार्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं वर्ल्ड की जो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उन्हें स्पेशली मॉडिफाई करता हूं ताकि आप इसे इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकें। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि मैं डेली एक नया ट्रेडिंग का वीडियो है वह लाता हूं, तो आप वो वीडियो मिस नहीं करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे यहां आप ये जो इंडिकेटर का ये सेटअप लगा है आप इन्हें चार्ट पे अप्लाई करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने दो इंडिकेटर को अप्लाई करा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री सॉफ्टवेयर है इस पे आ जाएंगे। इस फ्री सॉफ्टवेयर पर आने के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टाइप करिए सुपर, सुपर लिखेंगे, उसके बाद आपको ट्रेंड लिखना है। सुपर ट्रेंड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप स्पेस देंगे और आप मल्टी लिखेंगे। तो जैसे ही आप सुपर ट्रेंड मल्टी लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर आने लगेंगे, पर यहाँ पे आपको जो पहला इंडिकेटर दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड मल्टी टाइम फ्रेम ऑटो HF, आपको इस इंडिकेटर को क्या करना है, इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करना है। इसके यूजर्स आप देख सकते हैं कि 22,093 है, तो आप इस इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यह चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। यह अप्लाई होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो इंडिकेटर का सेटिंग आइकन है आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनपुट पर ऑप्शन दिख रहा होगा मल्टी और पीरियड, तो आपको मल्टी देखना है 1.7 होना चाहिए और ये जो आपका पीरियड है ये 10 होना चाहिए। उसके बाद आप स्टाइल है, स्टाइल पे आ जाएंगे। स्टाइल पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ ये जो बार कलर का ऑप्शन है आप इसे डिसेबल करेंगे। इसे डिसेबल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो बाय सिग्नल दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बाय सिग्नल को आप ग्रीन कलर करेंगे और यहाँ पे ये जो डाउन दिख रहा है आप इसे भी क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे। इसे करने के बाद यहाँ पे आपको जो ये सेल सिग्नल दिख रहा है इसे आप रेड कर दीजिए, इसकी ओपेसिटी 100% करिए और यहाँ पे ये जो डाउन दिख रहा है आप इसे भी क्लिक करिए, इसकी ओपेसिटी आप क्या करिए 100 करिए। और बाय सिग्नल में भी आपको यहाँ अप पे जाना है और इसकी ओपेसिटी आप 100 कर दीजिए और डाउन की भी ओपेसिटी आप 100 कर दीजिए। 100 करने के बाद आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी ये जो सेटिंग है ये कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से इंडिकेटर है इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है SQU और EE। जैसे ही आप यह लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पहला इंडिकेटर फिर से मिल रहा है स्क्वीज मोमेंटम लेजी बियर, आपको यह इंडिकेटर अप्लाई करना है। यह इंडिकेटर अप्लाई करना है, इसके क्रिएटर आप देख सकते हैं लेजी बियर है और इसके करंटली यूजर्स आप देख सकते हैं 80,158 है। तो आप इस इंडिकेटर को क्या करेंगे, चार्ट पे अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो यह इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट पे अप्लाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी भी यह जो सेटिंग है इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इनपुट पर तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, आप सीधे स्टाइल पर आ जाइए। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पे आपको कलर वन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे आप क्या करेंगे 65 से 100 करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कलर जीरो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी भी आप 100 कर देंगे। ऐसा ही आप क्या करेंगे कलर टू से करेंगे, कलर टू की ओपेसिटी 100 और ये हमने 3 की भी क्या करी 100 कर दी। 100 करने के बाद आप ओके कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये जो सेकंड इंडिकेटर है इसकी भी सेटिंग हो गई। अब आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कहाँ यूज़ करके बताऊंगा आपको, यहाँ पे हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी है बैंक निफ्टी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर लिया। अब अगर आप इसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आप किसी एक टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है मैं बैंक निफ्टी में 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा, पर अगर आप इसे वर्ल्ड के किसी और चार्ट पर यूज़ करना चाहते हैं तो यह जो टाइम फ्रेम है चेंज हो जाएगी। तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए आप इसका कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशली वही टाइम फ्रेम बता दूंगा जिससे यह स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। आप इसे गोल्ड में, फॉरेक्स में, नेचुरल गैस में, बिटकॉइन में और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ चेंज होगी टाइम फ्रेम, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अब आपको जो फाइनल चीज़ है वो क्या करनी है, आपको ये जो कैंडल है कैंडल्स पे आना है। कैंडल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये जो हाइकनाशी है आपको हाइकनाशी सिलेक्ट करनी है। हाइकनाशी कैंडल स्टिक आप सिलेक्ट करेंगे और आप ओके कर देंगे, तो हमारा ये जो सेटअप है यह कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है यह देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बैंक के ट्रेड है वह लेना सिखा रहा हूँ। तो बैंक के ट्रेड लेने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको यह देखनी है कि आपका ये जो सुपर ट्रेंड मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर है इसमें एक अपसाइड की तरफ एरो बनेगा ग्रीन कलर का। चलिए सबसे पहले मैं आपको वह देख के बताता हूँ। अगर आप पीछे चार्ट में और मूव करेंगे, जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको अब ये एरो है यह दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये जो अपसाइड एरो है यह मिल गया। जब आपको अपसाइड एरो मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्या वेट करना है कि वो कैंडल स्टिक का कलर होना चाहिए ग्रीन। यहाँ पे जब आपको ग्रीन
एरो मिला, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंडल का कलर भी ग्रीन है। जब ये कैंडल का भी कलर ग्रीन हो जाएगा तो आपको क्या देखना है, आपका ये जो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर है यह भी क्या होना चाहिए, ग्रीन बार बनाना चाहिए। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन बार बना रहा था। जब आपके तीनों रूल है यह फॉलो हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, जिस कैंडल पर आपको यह ग्रीन एरो मिला है उस कैंडल की क्लोजिंग पे आप क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस पे एंट्री लेंगे, और सेम कैंडल के लो पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ। और इसके इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपने ले ली एंट्री, अब आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जैसे ही आप इस कैंडल पर ये ग्रीन लाइन की वैल्यू देखेंगे जो यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, अपना मूव करके स्टॉप लॉस आप यहाँ रख देंगे, ये जो ग्रीन कलर का सुपर ट्रेंड है यहाँ पे आप अपना रख देंगे स्टॉप लॉस। और इसके बाद आप प्रॉफिट कितना रखेंगे, यहाँ पे आपकी एंट्री कितनी हो जाती, 34,692 है, 692 हो जाती। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, 34,700 का कॉल ऑप्शन है वो बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अब आप अपना प्रॉफिट है वो कितना लेंगे, अगर मान लीजिए इस ट्रेड में आपने रिस्क लिया है 10,000 का, तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मिनिमम 15,000 है, 15,000 का आपका प्रॉफिट होगा। 15,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ इजीली रिस्क टू रिवॉर्ड से पता चल जाएगा। जैसे ही ये 1.5 होगा इसका मतलब क्या है, रिस्क से डेढ़ गुना आपका प्रॉफिट है। अगर आप 1,000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,500। वैसे ही अगर आप 20,000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 30,000। तो कुछ इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो पहला आपका बाइंग का ट्रेड है यहाँ मिल गया। अब इससे पहले हम फिर से देखते हैं आपको अपसाइड एरो है वो कहाँ मिलेगा। अगर वैसे ही अगर आप चार्ट में और पीछे मूव करते जाएंगे तो इससे पहले आपको अपसाइड एरो है वो चलिए हम देखते हैं कहाँ मिल रहा है। तो और अभी हम पास्ट में मूव करते जाएंगे, यहाँ तो आपको डाउन साइड एरो मिला पर हमें चाहिए अपसाइड एरो। अपसाइड एरो इससे पहले आपको और कहाँ मिलेगा, इससे भी पहले हम और पास्ट में मूव करेंगे और करते ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले आपको अपसाइड एरो है यहाँ मिल रहा है। अब जब आपको अपसाइड एरो यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो कैंडलस्टिक का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। तो इस कैंडल पर जो कैंडलस्टिक का कलर है वो क्या है, हाइकनाशी का ग्रीन है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडलस्टिक है यह मिल गई। और यहाँ पे आपको क्या देखना था, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर भी ग्रीन बार है यह बनाना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर भी क्या बना रहा है, ग्रीन बार बना रहा है। तो आप इस कैंडल की जो क्लोजिंग है उस पर क्या कर लेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंट्री लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे। अब मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा और जूम इन करते हैं और अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आप ये जो ग्रीन लाइन है ग्रीन लाइन पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे एंट्री ले ली, और स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, ये ग्रीन लाइन का लो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना था। और प्रॉफिट कितना रखना था, रिस्क से डेढ़ गुना। तो रिस्क से डेढ़ गुना हम प्रॉफिट है, देख लेते हैं क्या आपको अचीव हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिस्क से डेढ़ गुना भी प्रॉफिट है वो भी बहुत इजीली अचीव हो गया। और यहाँ पे टाइम फ्रेम तो हमने 3 मिनट की लगा ही रखी थी। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जहाँ आपने एंट्री ली वहाँ प्राइस कितनी थी, 34,114 थी। तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 34,100 का। अब 34,100 का कॉल ऑप्शन है बैंक निफ्टी में बाय कर लीजिए, जिससे आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट है बहुत ही इजीली हो सकता है। तो हमने क्या करे, दो बाइंग के ट्रेड है वह ले लिए। अब मैंने आपको जब ग्रीन एरो हम सर्च कर रहे थे तो इससे पहले हमको बीच में एक क्या मिला था, रेड एरो भी मिला था। तो रेड एरो पे आपको क्या मिलेंगे, सेलिंग के ट्रेड मिलेंगे। अभी तक तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको वह ट्रेड है वह भी लेकर बता देता हूँ। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिला, रेड एरो मिला। अब यहाँ पे आपको कंडीशन सेलिंग में क्या देखनी है, सबसे पहले आपको देखनी है कि सुपर ट्रेंड आपको एक रेड एरो देगा। जब रेड एरो मिले, कैंडलस्टिक का कलर वहाँ पे रेड होना चाहिए और आपका यहाँ पे अब ये जो स्क्वीज मोमेंटम है ये रेड बार बनाना चाहिए। अगर हम स्क्वीज मोमेंटम को हल्का सा एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली रेड बार है, रेड बार बना रहा था स्क्वीज मोमेंटम। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस पे एक एंट्री है, एंट्री ले लेते हैं। तो हम चार्ट को और जूम इन करते हैं और हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे एक शॉर्ट की एंट्री लेंगे, शॉर्ट पोजीशन की। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, अब इससे ऊपर आपको यहाँ पर जो ये रेड लाइन मिल रही है यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस है यह रखिए। जैसे ही आप स्टॉप लॉस रखेंगे, प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया, रिस्क से हमेशा कितना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट 1.5 टाइम प्रॉफिट है वो अचीव हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 1.53 का भी प्रॉफिट है वो भी अचीव हो जाता, इसीलिए हम अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ बुक कर रहे थे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एंट्री प्राइस कितनी होगी, आपकी 35,361 है। तो आप क्या करेंगे, आप 35,350 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलिंग के लिए पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे, जिससे आप जो प्रॉफिट है इजीली बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एडवांस पॉइंट है वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर तो क्या कर ली थी, एंट्री ले ली थी और प्राइस आपके फेवर पे मूव करके मान लीजिए इस तक आ गया, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि आपकी ये जो रेड वाली लाइन है इसकी वैल्यू भी डाउनसाइड मूव होते जा रही है। तो जैसे जैसे आपकी ये वैल्यू डाउनसाइड मूव होती जाए, वैसे आप क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस है वह ट्रेल कराते जाएंगे। जब आपकी प्राइस यहाँ है तो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ आ गई है। इससे क्या होगा, इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आप अपना प्रॉफिट भी है बहुत जल्दी लॉक करते रहेंगे। यह था एक एडवांस पॉइंट। आप देख सकते हैं हमने ये जो तीनों ट्रेड थे ये लाइव लिए थे। अब हम एक और सेलिंग का ट्रेड है वो ढूंढ लेते हैं।
मिलते हैं। सेलिंग के ट्रेड के लिए आपको रेड एरो है, रेड एरो ढूंढना है। रेड एरो इससे पहले आपको कहाँ मिल रहा है, चलिए हम उसे भी सर्च करते हैं। यहाँ तो ग्रीन एरो वाला ट्रेड लिया था हमने, रेड एरो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब ट्रेड में क्या बताया, कैंडल स्टिक का कलर भी रेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वीज मोमेंटम भी रेड कलर की है। तो आप इस कैंडल स्टिक की जो क्लोजिंग है यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, आप इजीली एक शॉर्ट सेल की एंट्री ले सकते थे। रेड लाइन पे स्टॉप लॉस रखते 1:1.5 का है, आप प्रॉफिट रखते 1:1.5 का प्रॉफिट यहाँ मिलता, जो आप देख सकते हैं आपको इस कैंडल पर जाके अचीव होता, इस कैंडल पर आपको प्रॉफिट अचीव होता। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और पहले आपकी यहाँ थी एंट्री प्राइस, अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जैसे ही कैंडल स्टिक पहुंचेगी तो आपको इतना प्रॉफिट दिखाने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो रेड लाइन की मदद से आप अपना स्टॉप लॉस है छोटा करके यहाँ पर ले आएंगे। तो जैसे ही इस कैंडल पर आपकी प्राइस पहुंचेगी तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पहुंच जाना चाहिए, वो मूव होकर आपको इस कैंडल है, इस कैंडल के रेड लाइन के हाई पर पहुंच जाना चाहिए। इससे आपका ये जो रिस्क है और भी ज्यादा प्रोटेक्ट होते रहेगा। अब इसमें भी एंट्री प्राइस क्या रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं कि 34,102 की आपकी क्या हो जाती है एंट्री प्राइस। तो आप 34,100 रुपये का जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, जिससे आपको जो प्रॉफिट है इजीली हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं और इसे वर्ल्ड के और किसी भी चार्ट में आप इजीली यूज कर सकते हैं। बस एक चीज चेंज होगी, वो है टाइम फ्रेम। तो मुझसे आप कमेंट में पूछेगा तो मैं आपको स्पेशली आपके चार्ट के लिए टाइम फ्रेम बता दूंगा। अगर आपको लगता है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अपना एक भी रुपया रियल कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। सब्सक्राइब भी कर, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।